बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 का आज लास्ट टॉपिक हमने करना है कवर, और उसके बाद हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और जो इस चैप्टर नंबर 2 में लास्ट टॉपिक है हमारा वो है प्रिंट यूजिंग कमांड। प्रिंट यूजिंग कमांड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये प्रिंट यूजिंग कमांड क्या परफॉर्म करती है ये आज हम देख लेंगे। दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। ये कमांड हमारी यूज़ होती है नंबर्स और स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले करने के लिए ऑन द स्क्रीन इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट, स्क्रीन के ऊपर लेकिन किसी स्पेसिफाइड फॉर्मेट में। अभी तक हमने एक प्रिंट कमांड पढ़ी थी, वो भी ये काम कर रही थी कि नंबर्स और स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले करती थी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उसमें कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं होता था। इस पर हम कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम देख लेते हैं स्पेसिफाइड फॉर्मेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंटैक्स है हमारे पास प्रिंट यूजिंग स्ट्रिंग एक्सप्रेशन सेमी कॉलन लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन सेमी कॉलन। अब सेमी कॉलन पर ये ब्रैकेट क्यों है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स यूज़ होगा। अगर हमने एक वेरिएबल देना है तो वो दे दिया, फिर कॉलन दूसरा वेरिएबल, सेमी कॉलन तीसरा वेरिएबल, सेमी कॉलन चौथा वेरिएबल, ऐसे हम पास आउट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो है स्ट्रिंग एक्सप्रेशन उसको देख लें। स्ट्रिंग एक्सप्रेशन इज़ अ स्ट्रिंग लिटरल और वेरिएबल कंसिस्टिंग ऑफ स्पेशल फॉर्मेटिंग करेक्टर्स। कि ये क्या होगा, ये एक ऐसा लिटरल होगा या वेरिएबल होगा जो कि एक स्पेशल फॉर्मेटिंग करेक्टर होगा। द फॉर्मेटिंग करेक्टर डिटरमाइंस द फील्ड एंड द फॉर्मेट ऑफ प्रिंट स्ट्रिंग और नंबर। प्रिंट स्ट्रिंग और नंबर ये क्या करेगा, ये डिटरमाइन करेगा कि फील्ड को कैसे प्रिंट आउट करना है, स्ट्रिंग को या नंबर को हमने कैसे प्रिंट आउट करना है। इसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे ये अवेलेबल है। देखिए हमारे पास स्ट्रिंग के ना 3 फॉर्मेटिंग करेक्टर्स हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क, फॉरवर्ड स्लैश एन और डॉलर का ये एंड का साइन। इनकी फंक्शनैलिटी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जैसे आपको बताने के लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड कर ली कि ये हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस हैं। अब लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग और न्यूमेरिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन। अब लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन हमारे पास बेसिकली वो वेरिएबल्स होंगे जिसमें हमारी स्ट्रिंग पड़ी होगी या हमारे पास नंबर पड़ा होगा, और जो एक दूसरे सेपरेट होंगे किसकी बेस पे, सेमी कॉलन। मैंने आपको बताया था सेमी कॉलन या मल्टीपल टाइम जो है ना वो डिस्प्ले होगा। जैसे कि यह एग्जाम्पल में देखें, ये प्रिंट यूजिंग लगाया, ये स्पेशल करेक्टर लगाया, और ये यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल एक दूसरे सेमी कॉलन की बेस पे सेपरेट है। अब ये काम कैसे करेंगे, पहला है हमारे पास एक्सप्लेनेशन मार्क। एक्सप्लेनेशन मार्क क्या करेगा, स्पेसिफाई दैट ओनली द फर्स्ट करेक्टर इन द स्ट्रिंग इज टू बी प्रिंटेड। ये स्पेसिफाई करेगा कि पूरी स्ट्रिंग में से पहला करेक्टर जो है ना वो प्रिंट आउट हो। प्रोग्राम की तरह चलते हैं, प्रोग्राम में देखें ए डॉलर में हमारे पास वर्क लिखा हुआ है, हमने सेव करवाई हुई है स्ट्रिंग, और बी डॉलर में हमने हार्ड दो स्ट्रिंग सेव करवाई हुई है। अब हमने पहला करेक्टर अगर प्रिंट आउट करवाना है, यानी कि डब्ल्यू और यहाँ से और यहाँ से एच को अगर प्रिंट आउट करवाना है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट यूजिंग एक्सप्लेनेशन मार्क, फिर उसके बाद स्पेसिफाई कर देंगे उसको ए डॉलर जिसमें वर्क पड़ा है और बी डॉलर जिसमें हार्ड पड़ा है। जैसे ही रन होगा तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, डब्ल्यू एच। इसी तरह प्रिंट यूजिंग फॉरवर्ड स्लैश एन, एन जो है ना ये देखें फॉरवर्ड स्लैश एन स्पेस फॉरवर्ड स्लैश, तो यहाँ पे एन नहीं लिखते, वो जो आपको समझाने के लिए वहाँ लिखा गया था। अगर तो हम इसमें दो या दो से ज़्यादा स्पेसिफाई दैट टू एट टू प्लस एन करेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग आर टू बी प्रिंटेड, ये स्पेसिफाई करेगा दो या दो से ज़्यादा करेक्टर जो है ना वो स्ट्रिंग में से प्रिंट आउट होंगे। इफ द बैक स्लैशेज आर टाइप विद नो स्पेसिस, अगर हम बैक स्पेसिस को टाइप करें कोई सी भी स्पेस के बगैर, टू करेक्टर्स आर प्रिंटेड, फिर दो करेक्टर प्रिंट आउट होंगे। इफ द ब्लैक स्पेसिस आर टाइप विद द वन स्पेस, अगर हम उसमें एक स्पेस डालते हैं फिर थ्री, अगर हम उसमें दो स्पेस डालते हैं फिर फोर फाइव, इस तरह चलता जाएगा, तो हम आर प्रिंटेड एंड सो ऑन, ये इस तरह प्रिंट आउट करता जाएगा। अब लाइन नंबर 40 पे क्या हो रहा है, हमारा प्रिंट यूजिंग फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश एंड बैक स्लैश और ए डॉलर और बी डॉलर, तो इसने क्या किया, उसने पूरा रिजल्ट प्रिंट आउट करा दिया वर्क हार्ड। इसमें भी क्या है, फॉरवर्ड बैक स्लैश और ए डॉलर बी डॉलर, और यहाँ उसने क्या किया है, स्ट्रिंग में दो एक्सप्लेनेशन मार्क दे दिए। देखें अब ये एक्सप्लेनेशन मार्क जो है वो एज ए स्ट्रिंग लिए जा रहे हैं, ये एज ए फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लिया जा रहा। फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर लेते तो यहाँ पे प्रिंट आउट होता, तो ये क्या करेगा, इसको एज इट इज प्रिंट आउट करवा देगा, वर्क हार्ड और एक्सप्लेनेशन मार्क एज इट इज प्रिंट हो गए। तो डॉलर का साइन क्या करता है, अब हमारे पास एंड का साइन क्या करता है, स्पेसिफाई अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग फील्ड, ये उसकी लेंथ को स्पेसिफाई करेगा स्ट्रिंग फील्ड की। When the field is specified with the end, the string is output exactly as the input. जब हम इसको स्पेसिफाई करेंगे डॉलर को, जो कि फिर क्या होगा, जो हम उसे स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर रहे हैं एज इट इज उसको वो प्रिंट आउट कर देगा एग्जैक्टली एज द इनपुट, आउटपुट भी वैसी होगी जैसा कि हमारा इनपुट होगा। तो ये वो करेक्टर्स थे जो कि स्पेसिफाइड करेक्टर्स थे जो कि स्ट्रिंग्स पे यूज होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिक फील्ड पे अप्लाई करने वाले करेक्टर, जिसमें हैश जो है वो ज्यादा यूज होता है।
हैश क्या काम परफॉर्म करेगा? अ हैश साइन इज यूज टू रिप्रेजेंट ईच डिजिट पोजिशन, हर एक डिजिट की पोजिशन को हमारे रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। डिजिट पोजिशन आर ऑलवेज फील्ड, और जो डिजिट की पोजिशन है वो हमेशा फील्ड की जाएगी। इफ द नंबर टू बी प्रिंटेड एज फ्यूअर डिजिट्स देन द पोजिशन स्पेसिफाइड, अगर नंबर हमारे पास पे फ्यूअर पोजिशन है और उसको हमने जो हैश प्रोवाइड किए थे वो ज्यादा है, द नंबर इज राइट जस्टिफाइड प्रसीडेड बाय द स्पेस इन द फील्ड, ये वो राइट जस्टिफाइड हो जाएगा और उस स्पेस को फिल किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, प्रिंट यूजिंग हैश हैश डॉट हैश हैश मीन्स यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आएगा जिसमें पहले दो नंबर दो और फिर पॉइंट के बाद भी दो नंबर दो। अब यहाँ देखिए 0.85 दिया, पॉइंट से पहले हमें दो नंबर चाहिए थे तो उसे वहाँ जीरो प्लेस कर लिया और उसको राइट जस्टिफाइड कर लिया, एक जीरो निगलेक्ट कर दिया। प्रिंट यूजिंग हैश 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 पॉइंट हैश 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 तो 254.753, अब इसमें से क्या निगलेक्ट होगा, इसमें से 3 निगलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हैश के पॉइंट के बाद हमारे पास दो डिजिट्स हैं और हैश पॉइंट से पहले हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे देखें 254.75 प्रिंट हो गया। इसी तरह हमारे पास ये मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, अगर आपने मल्टीपल वैल्यू पास आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे, 10.2, 5.3, 66.789 एंड सो ऑन से स्पेसिफाई करें, और जब इसको ये रन करेगा तो इसको 2.2 वाले डिजिट्स में ले आएगा, मतलब 2 डिजिट्स पॉइंट 2 डिजिट्स में उसको कन्वर्ट कर देगा। देखें ये हमारे पास 5.3 था तो उसने 5.30 कर दिया, 66.789 था तो 9 को जो था वो राउंड ओवर करके 8 को 9 कर दिया और 9 को निगलेक्ट कर दिया, इससे 0.23 प्रिंट हुआ और 4 को निगलेक्ट कर दिया। इन द लास्ट एग्जाम्पल 3 स्पेसेस वर इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स टू सेपरेट द प्रिंटेड वैल्यू ऑन द लाइन, के हमने क्या किया लास्ट एग्जाम्पल में हमने 3 स्पेसेस ऐड की हैं एट द एंड ऑफ द फॉर्मेट स्ट्रिंग, के फॉर्मेट स्ट्रिंग के एंड में हमने 3 स्पेसेस ऐड की हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको सेपरेट करना था वैल्यू को ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर हमने वैल्यूज को सेपरेट करना था इसलिए हमने स्पेसेस ऐड की। अब प्लस साइन एट द बिगनिंग और एंडिंग ऑफ द फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉज द साइन ऑफ द नंबर टू बी प्रिंटेड बिफोर और आफ्टर द नंबर, अब ये क्या है, अगर हम प्लस और माइनस भी यहाँ पे ऐड कर दें तो उससे क्या होगा कि नंबर का साइन भी प्रिंट आउट होगा स्क्रीन के ऊपर, या वो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अ कोमा टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, अगर हम डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे, अब डेसिमल पॉइंट ये है तो उसकी लेफ्ट साइड ये है, इधर अगर हम कोमा लगाते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉज अ कोमा टू बी प्रिंटेड टू द लेफ्ट ऑफ एवरी थर्ड डिजिट, तो क्या होगा कि कोमा जो है वो हर थर्ड डिजिट के बाद कोमा डिस्प्ले होगा टू the left of the decimal point, decimal point की left side पे। A comma at the end of the format string is printed as the part of the string, और अगर हम format string के end में comma लगाएंगे तो उसके as a part जो है ना वो print out हो जाएगा। तो chapter complete हो गया, अब next exam उसकी chapter की exercise रहती है हमारी, तो इसे cover कर लेते हैं। Question number 1 है filling the blanks, basic stand for beginners all purpose symbolic instructions code, basics was developed in by John Kemeny and Thomas Kurtz in 1963, कब बनाई थी इन्होंने 1963 में बनाई थी। ईडब्ल्यू बेसिक्स शोज ओके मैसेज व्हेन लोडेड, कि वो ओके का मैसेज शो करता है जब लोड होता है। इनडायरेक्ट मोड द कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप, हमें पता है कि इनडायरेक्ट मोड में कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं जैसे ही हम उन्हें टाइप करते हैं। एवरी स्टेटमेंट इन द बेसिक प्रोग्राम इज प्रीसीडेड बाय द लाइन नंबर, तमाम स्टेटमेंट जो है वो लाइन नंबर से स्टार्ट होती है हमारे पास, हमने देखा है प्रोग्राम में लाइन नंबर लिखते हैं हम लोग। GW basic programs line cannot have more than 255 characters, के प्रोग्राम लाइन एक लाइन में 255 करेक्टर से ज्यादा करेक्टर्स हम नहीं लिख सकते, इसकी एग्जाम्पल हमने वहां देखी थी जब हम डाटा वाला रीड और डाटा का हमने टॉपिक पढ़ा, तो वहां हमने पढ़ा था कि एक लाइन में अगर हमारा डाटा एक्सीड कर रहा होगा तो हम वहां पे डाटा नेक्स्ट लाइन में ले जाएंगे, ज्यादा डाटा एक लाइन में नहीं लिखेंगे, डाटा का दूसरा वेरिएबल यूज कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास देयर कैन बी मैक्सिमम 65,529 लाइंस इन द GW बेसिक प्रोग्राम, हम इतनी लाइंस लिख सकते हैं। द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ GW बेसिक प्रोग्राम इज डॉट BAS, की डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है हमारे पास, BAS की फाइल, बेसिक्स फाइल की BAS एक्सटेंशन होती है। द वर्ड विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड द कीवर्ड एंड द रिजर्व वर्ड्स, वो वर्ड जिनकी पहले से कोई मीनिंग होने हम कीवर्ड कहते हैं, रिजर्व वर्ड कहते हैं। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, REM remarks जो है हमारे पास example है non executable statement की। Next question है हमारे पास, multiple questions हैं, तो पहला है हमारे पास GW basics can operate in two modes, GW basics जो है वो दो modes में operate कर सकता है, direct और indirect में। The maximum length of the variable name in basics are 40, हम maximum 40 character तक का उसका name लिख सकते हैं।
इफ टू और मोर स्टेटमेंट आर रिटर्न ऑन द लाइन, अगर हम एक लाइन पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय द कॉलन, तो उन्हें हम कॉलम से सेपरेट करते हैं। इसकी एग्जाम्पल अभी हमने की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये स्टेटमेंट हमने क्या दो लिखी है यहाँ पे, ए डॉलर इज इक्वल टू वर्क, फिर कॉलन लगा के बी डॉलर इज इक्वल टू हार्ट। एक लाइन में हमने दो लिखी है, तो हमने कॉलन से उनको एक दूसरे को सेपरेट किया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर फॉर इंटीजर वेरिएबल। इंटीजर वेरिएबल के टाइप डिक्लेरेशन कौन सा है? हमारे पास परसेंटेज यूज होता है सिंगल प्रेसिडेंट के लिए, हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल प्रेसिडेंट के लिए हैश, डॉलर जो है स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, तो इनमें से किसकी ज्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस, किसको हम पहले सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास जो पावर होती है या कैप साइन होता है, इसको पहले सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर एडिशन और सबसे एंड में इक्वल। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट। वेरिएबल का नेम हमेशा किसी एक अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था जब हम रूल्स पढ़े थे नेम करने के वेरिएबल्स को। नेक्स्ट है, हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू रन द प्रोग्राम इन जेडब्ल्यू बेसिक्स। F2 की से हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ चैप्टर में। व्हेन अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इज कन्वर्टेड टू इंटीजर द फ्रैक्शनल पार्ट इज राउंड अबाउट। जब हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को, मतलब कि 3.79 को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, तो 7 जो है वो इधर फिक्स शिफ्ट होगा और इधर से 1 इधर शिफ्ट होगा, ये राउंड अबाउट होकर 4 हो जाएगा, तो वो राउंड ऑफ हो जाती है वैल्यू, अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, टाइप कन्वर्जन कन्वर्ट कर रहे हो हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टेम्परेली स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। वो कौन सी स्टेटमेंट जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कुछ टाइम के लिए रोक देती है, वो स्टॉप स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स कंटिन्यू द प्रोग्राम हूज एग्जीक्यूशन वाज टर्मिनेटेड टेम्परेली। वो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को दोबारा स्टार्ट कर देती है जब उसको हम कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं? तो कॉन्ट CONT की कमांड जो है वो हमारी स्टेटमेंट जो है वो यूज होती है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो बेटा ये दो क्वेश्चन आज हमने पढ़ लिए, कवर कर लिए, बाकी की एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने क्या करना है, आपने प्रिंट यूजिंग की डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स और उसकी कुछ एग्जांपल अच्छे से प्रिपेयर करनी है, और फिलिंग दी ब्लैंक्स और MCQs जो हैं वो आपने अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि फिलिंग दी ब्लैंक्स और MCQs में से मोस्टली आपका पेपर में, बोर्ड के पेपर में MCQs बनते हैं। तो आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।